नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूँ दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में मौजूद है हिंदुत्व के ऐसे नेता जिन्होंने बुरहानपुर के अंदर एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंक जी। जय श्री राम। प्रियंक जी, पहला सवाल कि जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और इसमें आप कैसे रहे? मेरे नाना जी के शहर में रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ और शिक्षा मैंने कादरिया स्कूल से और उसके पश्चात नेहरू मोंटेसरी स्कूल से मैंने 12th तक की शिक्षा हासिल करी। उसके पश्चात मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी से बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करा, फिर मैंने एमबीए करा, मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और हाल फिलहाल इंदौर यूनिवर्सिटी से डीएवीवी से मैं एलएलबी का लास्ट सेम का परस्यूइंग कर रहा हूँ। तो ये सब शिक्षा रही मेरी। राजनीति में कैसे आए? देखिए, मैं विगत 2 दशकों से हिंदू संगठनों में, आरएसएस में कार्यरत हूँ, तो ये सब चीज़ों का कार्यरत रहते हुए, समाज सेवा करते हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमने ये देखना चालू हुआ कि शहर के और ज़िले के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहाँ पे एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, उसके साथ साथ केवल ऐसे राजनेता नहीं चाहिए जो अपने घर भरने का काम कर रहे हों, तो ये जब कार्यकर्ता भी देख रहे हैं और पूरा समाज देख रहा है, सब लोगों ने देखा, तो मेरे नाम को आगे करने का विगत कई समझ लीजिए 8-10 सालों से कोशिश जारी थी और इस बार ना नुकुर करके मैंने जैसे तैसे हाँ कह दी। इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद में भी आप राजनीति को सुन रहे हैं? नहीं, मैं कई मतलब डायरेक्टली मैंने राजनीति को तो नहीं चुना। जब शुरुआत में कॉलेज एजुकेशन वगैरह कंप्लीट होता है तो एक जो नौजवान की इच्छा होती है कि हम एमएनसी वगैरह में काम करेंगे, और ये तो मैंने काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया, विदेशों में भी मैं कई 50-100 देशों में जा चुका हूँ जहाँ जाके मैंने कार्य भी किया है। मेरी सेल्फ की आईटी कंपनी भी थी अमेरिका में और मैं कहीं पर भी रहा हूँ, लेकिन मैंने हिंदुत्व को, अपने हिंदू संगठनों को, और मैं बाल स्वयंसेवक आरएसएस में रहा हूँ, कभी भी त्याग नहीं करा, हमेशा पकड़ के रखा और यहाँ पर भी वही कार्य कर रहा हूँ। किन किन जो है आपने आंदोलन अब तक किए हैं जनता के हित में, हिंदुत्व के लिए? देखिए, आंदोलन की रही बात तो लगातार 2 दशकों से हम जनता के बीच में ही हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जिले के अंदर जहां पे हमारी शिकायतें गई नहीं हों। अनेकों केस ऐसे हुए कि हमने अधिकारियों का यहां से ट्रांसफ़र भी कराया, सस्पेंड भी करवाया, और चाहे जन सुनवाई हो, सीएसपीएस के पास भोपाल जाना हो, कोई पुलिस के हमारे कार्यकर्ताओं के केसेस हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, लगातार जनता के बीच में हम कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार से लेके मठ मंदिरों की सुरक्षा से लेके और गौ माता की सेवा से लेके सभी सभी प्रकार के काम, आप कोई भी स्फीयर ऑफ वर्क आप अगर हमारा चेक करोगे और रिकॉर्ड निकालोगे तो वहाँ नाम जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने में मिलेगा। ये आप राजनीति एक्सपायर हिंदुत्व की राजनीति आप कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ फैमिली में भी लोग पहले ऐसे ही थे? नहीं, फैमिली मेरा बैकग्राउंड पूरा का पूरा, मेरे मदर रिटायर्ड जिला आयुष अधिकारी हैं, डॉक्टर रही हैं, मेरे फादर भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रहे हैं, और मेरी पूरी फैमिली जो है कोई राजनीति में नहीं रहा है, और ये मैं भी अभी भी अपने आप को एक राजनीतिज्ञ नहीं मानते हुए संगठन का व्यक्ति मानता हूँ। प्रियंक जी, ये बताया दरगाह हकीमी का आपने मुद्दा उठाया है, आपकी टीम वहाँ पे लगातार जो है लगातार शिकायतें करी, आपने आंदोलन भी वहाँ पे किए, उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आप ये मत समझिए कि दरगाह हकीमी में वैसी परिस्थिति थी। पहले तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और बातचीत का माध्यम भी अपनाया था। कलेक्टर परिसर में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी 400-500 लोगों के साथ प्रदर्शन किया गया था, और जो समिति है, मैं तो खैर काफ़ी बाद में जुड़ा हूँ, मेरे से बहुत पहले से कार्यरत वहाँ पे लोग हैं, समिति हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
फिर कुछ काली पट्टी बांध के भी लोधीपुरा में किया गया और इस प्रकार निरंतर किया गया। जब जाके जब नहीं हो रहा है और मामला जो है अभी भी विचाराधीन है, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है, और कुछ समय पहले हम जबलपुर भी जाके आए थे, इच्छेश्री इच्छेश्वर हनुमान समिति के मेंबर और हम लोग जाके आए थे, और ये केस अभी विचाराधीन है और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी पार्टियों को उसको मानना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा है न्यायालय के अंतर्गत, आपने वहाँ पे आंदोलन भी किए, सांसद भी आए, विधायक भी आए, कई बड़े नेता वहाँ पर आ गए, ऐसा मान सकते हैं, क्या कारण बनते अब तक कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार होने के बाद में भी जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही, जब आप ऐसा आपका कहते हैं? देखिए, सरकार किसी के भी हो, कोई भी न्यायालय से ऊपर नहीं होता है, पर हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति उतनी प्रबल नहीं रही है, अन्यथा राजनेताओं की जो ताकत रहती है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर सब लोग साथ में आ जाएं और सभी पार्टियों को एक साथ मनाने की कोशिश करें, और दूसरा जब आपने ये विषय छेड़ ही दिया है तो हमने बीच में वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की एक बावड़ी, बहुत होलकर साम्राज्य की थी ऐसा लोग बता रहे हैं, वो भी वहाँ पे निकली है, और कई ऐसे नया श्री बालेश्वर मंदिर भी वहाँ पे निकला है, और दीवार के पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक दूसरा मंदिर भी निकला है। अब लगातार ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही है, तो आर्कियोलॉजी ASI वहाँ पे जांच क्यों नहीं कर रहा है? एक छोटी सी बात है, अगर जांच के अंदर ऐसा कुछ आएगा कि नहीं ये कोई भी चीज़ जो है ASI से संबंधित नहीं है, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व से संबंधित नहीं है, तो उनकी, और अगर ऐसा कुछ आता है कि वो पुरातत्व विभाग को लेना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ पूरी दरगाह हकीमी परिसर पुरातत्व विभाग को दिया जाना चाहिए। आप एक हिंदू नेता है और हिंदू नेता के बीच में भी आप जो है उभर के एक बुरहानपुर के अंदर अलग पहचान बना रहे हैं, क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ दानिश भाई, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और श्री राम का एक छोटा सा भक्त हूँ, जो शहर के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है और राजनीतिज्ञ शक्तियां और राजनेता केवल अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, बाकी शहर की तरफ उनका ध्यान है नहीं, तो उसको देखते हुए आगे आने का प्रयास कर रहा हूँ। भाजपा से आपने विधायक की दावेदारी की है जी, क्या सोच की दावेदारी की है? कांग्रेस से तो कर नहीं सकता, तो एकमात्र कांग्रेस से क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जहां विचार नहीं मिले अच्छा। वहां तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो एक जो हमारे हिंदुत्व के विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, और जितनी भी चीज़ें भाजपा कर रही है, चाहे धारा 370 हटाने का या ट्रिपल तलाक का इशू हो, या अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का हो, या काशी मथुरा का विषय हो, या धार भोजशाला का विषय हो, सारे के अंदर जो हमारे विचार है जिनसे मिल रहे हैं उनसे टिकट मांगा है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई आपका नेताओं पर से विश्वास उड़ गया इसलिए आपने दावेदारी कर दी? नहीं, मैं फिर टिकट क्यों मांगता? आखिर टिकट भी तो नेताओं से ही मांगा जा सकता है। और जो बुरहानपुर के अंदर जो जिनसे जो विधायक की दावेदारी यहाँ पे कर रहे हैं उनसे आपका ऐसा विश्वास उड़ गया यहाँ से? मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, अब ऐसा चल रहा है जो हम भी सुनते हैं, अपने को तो पता नहीं है कि ये ग्रुप है वो ग्रुप है, और विभिन्न राजनेताओं का अपना ग्रुप है। आप शहर में किसी से भी पूछिए कि हम किसी में शामिल हैं क्या, किसी के पीछे जा रहे हैं या किसी के साथ घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं घूमते, हम केवल हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में रहते हैं, और नेताओं से ज़्यादा विश्वास हमको हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर विश्वास है? बिल्कुल, हमारे साथ हैं, पूरा समाज हमारे साथ है। कैसा विश्वास है? जो सही कार्य करेगा कार्यकर्ता उनका साथ देंगे, और जो गलत कार्य करेगा वहाँ मुझे लगता नहीं कि कार्यकर्ता उनके साथ लगातार जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की, आपने दावेदारी भी कर दी है जी, लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जनता के बीच में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े ही हैं, हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी वार्डों में
जा रहे हैं, हमारी बात जनता जनार्दन के समक्ष रख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा है। अब बोल रहे हैं लोग कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, तो रिस्पॉन्स अच्छा है। और ऐसा नहीं होता कि टिकट मिलने के बाद आप जनता के बीच में जा रहे हो, अभी चुनाव को 6-7 महीने नवंबर दिसंबर में है, तो हम तो काफ़ी सब मैंने आपको बताया 20-22 सालों से जा रहे हैं, अभी भी हमारा कार्य वही है, कुछ अलग कार्य नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम कोई चुनाव के लिए जा रहे हैं, वैसे भी जाते थे पहले, सोशल मीडिया पर फोटो नहीं आते थे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, ये मैंने अभी सीखा है, क्योंकि देखिए मैं भी अभी राजनीति में नया नया हूँ। अब पहले ऐसा होता था कि कोई हम फोटोबाजी करते नहीं थे जब, लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद मालूम चला है कि फोटो ही सब कुछ होता है। जब आपका फोटो आएगा सोशल मीडिया में, तभी ये साबित होगा आपने कार्य करा है, कार्य करा है, या आप कुछ कर रहे हो। तो जब लगा कि हाँ इम्पोर्टेंस है फोटोग्राफ्स की, तो फिर हमने डालना चालू किया हमारे काम को। और फिर जब मैंने एक दिलचस्प सा आपको वो बताता हूँ, हम अभी भोपाल में गए थे, तो प्रदेश कार्यालय नया बना है भारतीय जनता पार्टी का, तो सारे प्रदेश स्तर के नेताओं से, महामंत्री जी से, संगठन मंत्री जी से, हितानंद जी शर्मा जी से काफ़ी समय बातचीत हुई हमारी, और भगवान दास सबनानी जी जो अब हट गए हैं, अपने संभाग प्रभारी भी थे और प्रदेश महामंत्री हैं, तो उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई। तो उनने बायोडाटा देखा, बोले ये तो काफ़ी मोटा है, अच्छा पूरा मोटा हमने वो बनाया था। मैंने बोला भाई साहब उसमें बायोडाटा तो 1-2 पेज का था, आपने क्या करा, एजुकेशन क्या है और कौन से संगठनों में रहे हो आप, वो सब चीज़ें थी, लेकिन साथ में फोटोग्राफ्स अटैच करे थे हमारे काम के बारे में, कुछ अखबार वगैरह की कटिंग वगैरह वो थी। तो वो बोले इतना मोटा कैसे, मैंने बोला भाई साहब ये सिर्फ 2-3 महीने का प्रिंटआउट निकाला है, अगर मैं पिछले पूरे 20 साल का निकालने जाऊँगा तो आपकी अलमारियाँ कम पड़ जाएगी। अच्छा ये बताइए प्रियांक जी कि अपने किस नेता को आप अपना आइडल मानते हैं, किसको आप गुरु मानते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं? देखिए मैं राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडल मानता हूँ और मैं उनको फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी बाबा जी चला रहे हैं, और उनसे प्रेरणा लेके बुरहानपुर में भी वैसे ही कुछ बुलडोजर लाने की कोशिश करूंगा अगर जनता का आशीर्वाद साथ में रहता है तो। यार ऐसा मान सकते हैं कि आप विधायक बुलडोजर के लिए बनी? नहीं देखिए जहां भी गलत हो रहा है वहां हमको ये है कि थोड़ा सा कड़क निर्णय तो लेने पड़ते हैं। शरीर में अगर कोई विकार है, विकार का मतलब शरीर में हाँ कुछ बीमारी है कुछ है, तो हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और दवाइयाँ कड़वी रहती हैं, लेकिन वो कड़वी दवाई हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लाभकारी रहती है। तो उसी प्रकार से जो कड़क राजनीतिक निर्णय होते हैं वो जनता की भलाई के लिए रहते हैं, सब कुछ जनता के हित के लिए रहता है, वो बाबा जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। क्यों आइडल मानते हैं आप उन्हें? क्यों? मैंने क्यों गई तो जवाब दिया आपको कि कब से मानते हैं, जो उनके निर्णय हैं, समझ लीजिए एनक्रोचमेंट कितना है हमारे ब्रह्मपुर के अंदर, एनक्रोचमेंट कहीं पे भी कोई भी ढेला लगा देगा, कोई भी दुकान कहीं पे भी कर देगा, जिसको जहाँ इच्छा होगी घर बना लेगा। अब देखो वो NGT गाइडलाइन के अंदर भी मैंने, अब आप मेरे कार्य पूछ रहे थे, अब बहुत मैं आपको बता, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गाइडलाइन का भी उल्लंघन पूरा, वो नाले में ये कौन सी कॉलोनी है, नगर निगम से आगमन आगे जाते हैं नाला आता है, नाले पे घर बना लिए, तो पांडा रोल नाला है, ये गलत है, आप गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हो, और उस पे आवास योजना भी पास हो गई है, तो अधिकारी भी गलत कर रहे हैं, जनता तो गलत कर ही कर रही है जिसने बनाया। अब उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं लोग डाल देते हैं। मेरे से एक जर्नलिस्ट हमारे भाई ने ही पूछा कि यार आप ये मुस्लिमों के घर है ज़्यादातर पूरे, इसीलिए आप पीछे। मैंने बोला भैया हिंदुओं के भी घर होते वहाँ तो भी मैं ये कार्य करता, अगर गलत कार्य कोई हिंदू भी करे या मुस्लिम भी करे, गलत तो गलत होता है, तो उस पर कड़क निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए आइडल मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि योगी जी जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चला पा रहा है। लेकिन अगर नाले पे भी कोई गरीब व्यक्ति रह रहा था तो उससे आपको क्या दिक्कत है?
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नाला पूरा भर जाएगा, शहर के अंदर पानी आएगा और जो दिक्कत होगी शहर वालों को होगी। ताप की नदी बहुत ज्यादा बड़ी है। नहीं अब देखिए ऐसी बात है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो फिर तो आप बोलेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, उसने मर्डर कर दिया, कोई सड़क के अंदर तेजाब डाल दिया। अलग चीज हो जाती है मर्डर, एक अलग, तेजाब डालने का अलग हो जाती है। वहां पे कोई बेचारा रहता है, उसकी कहीं जमीन नहीं है, क्योंकि नाले के अंदर रहे तो बहुत ज्यादा परिस्थिति उसकी भी खराब होगी। नाले के अंदर रहने का हर किसी को शौक तो होने का नहीं। देखो अभी अतीक अहमद मर गया, आतंकवादी था, हम मानते हैं देशद्रोही हरकतें और गुंडा गर्दी का पूरा काम करता था। 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, मुकदमे दर्ज थे। उनकी अहलिया जो है अब उनके ऊपर भी केसेस हैं। आज ही हम जा रहे थे तो वो बोलने लग गए यार गरीब, अब वो औरत का क्या कसूर? ऐसा नहीं होता ना, वो बेचारी बेचारी नहीं होता, कुछ बेचारी बेचारी नहीं होता, जो गलत है वो गलत होता है। अब उसको भी पकड़ में आना चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो ये जो बेचारा शब्द है मेरे को नफरत है। अच्छा, ये गरीब है वो बेचारा है, अरे तो बेचारा है तो गलत काम करेगा, ये बेचारा शब्द नहीं होता, गलत मतलब गलत। मैं एक, मेरी गाड़ी भी आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और मैं मेरी गाड़ी भी कभी भी नो पार्किंग में नहीं खड़ी करता। मतलब आपको एक बता रहा हूं, मैं बहुत जिंदगी बहुत सीधे रास्ते से जीता हूं, गलत काम जिंदगी में मैंने आज तक, कैसे मानते आप इससे? देखिए मैंने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम करा नहीं है, और अगर मैं विधानसभा में जाता हूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई गलत काम होने भी नहीं दूंगा। आपने बताया कि जिम्मेदार किसको मानते हैं इसका? जिम्मेदार दोनों है, लोग भी है और अधिकारी गण भी है। लोग इसलिए है कि लोगों ने गलत काम करा, वहां पे घर खींच दिए। अधिकारी इसीलिए है कि अधिकारी ने पास कर दिया। ऐसे कैसे पास कर दिया आपने? आवास योजना पहले एनजीडी की गाइडलाइंस तो पढ़ लेते, एक भी अधिकारी जितने भी है वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो अब आखिरी में क्या करना, फिर आंदोलन बचता है हमारा और फिर इनको हमारे से ये होता सारे डिपार्टमेंट। मैं आपको क्या बोलूँ दानिश भाई, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा अपने जिले के अंदर जहाँ अधिकारी हमारे से हमको पसंद करते हो। कोई अधिकारी पसंद नहीं करता क्योंकि हर बार हम उनके नकेल खींचते, उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ हैं तो जनता हमारे साथ में। प्रियंक जी ये बताइए कि विधायक की दावेदारी जो आपने कर दी है जी, कितना भरोसा है पार्टी पर आपको? देखिए पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पार्टी जो है नए लोगों को मौका देगी और उसमें पार्टी को लगता है कि जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, जो सीट निकाल सकते थे, कि कुल मिला के इसका करीबी उसके करीबी। मैं आपके पुराने इंटरव्यू भी देख रहा था, आप, मैं देखते ही रहता हूँ आपके शो का, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं तो। शुक्रिया। आप पूछ रहे थे आप किस नेता के करीबी हैं, क्या है? देखो करीबी होने से कुछ काम नहीं होता, जिसके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी पार्टी उसको टिकट देती है, जो भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, जिताओ प्रत्याशी को देती है। और लोग हमारे को अगर पसंद करेंगे, लोगों की मांग ये ऐसी रहेगी कि हमको जाना चाहिए, तो पार्टी भी देगी हमारे को, पूरा विश्वास। क्यों टिकट दे आपको? क्या आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, क्या ऐसी खूबी है? अब मैं मेरे मुंह से तो अपनी खूबी बताऊंगा नहीं, और मैं आपको इतने देर से ये जो बता रहा हूँ, मेरे ये सब आंदोलन बता रहा हूँ, मेरे कार्य बता रहा हूँ, और आप अगर इसको खूबी मानते हैं, मैं आप मतलब पार्टी को बोल रहा हूँ, अगर इसको आप खूबी मानते हैं तो डिसीजन पार्टी लेगी। बिल्कुल प्रियांक जी, यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के विशेष कार्यक्रम द डीआर के शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है हिंदू नेता ठाकुर प्रियांक सिंह। अगला सवाल आपसे ये है कि प्रियांक जी, विधायक की दावेदारी की है आपने, अगर आप विधायक बन जाते हैं क्या काम करेंगे? देखिए अगर मैं विधायक बन जाता हूँ, हमारे जिले के अंदर अभी तीन बड़ी योजनाएं है, जिसमें अपनी नल जल योजना हो गई 129 करोड़ की, उसके बाद जलावर्धन योजना हो गई 131 करोड़ की, और दूसरी ये पानी के पाइपलाइन की योजना अमृत सरोवर योजना है। मुझे लगता है तीनों योजनाएं फेल है,
जो 2020 के अंदर योजना क्लियर होनी थी, आज तक क्या लोगों के घरों में मीठा पानी आ रहा है क्या? ड्रेनेज की जो बात है, ड्रेनेज पूरा का पूरा जो उससे जा रहा था, नालियां भी चालू है, अभी ड्रेनेज सिस्टम भी चालू है, और नीचे वाले जो घर है, घर नीचे पाइपलाइन ऊपर डाल दी, नीचे से पानी ऊपर जाता है क्या? ऐसा तो कोई न्यूटन्स का लॉ अभी तक आया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के पैसे मिसयूज हो रहे हैं, पूरे का पूरा मिसमैनेजमेंट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत इसमें कमी है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता के पैसे जो भी वेस्ट हुए हैं, सबसे पहले तो सबसे लाइन से भ्रष्टाचार की एक एक जांच करवाऊंगा, इनके चड्डी बनियान भी नहीं बचने दूंगा, सब बिकवा दूंगा जिस जिसने भ्रष्टाचार किया है। सबसे पहला हमारा हंटर वहीं चलेगा। जिस पार्टी से आपने टिकट की मांग की है, उसी पार्टी के विकास कार्यों की आप पोल खोलते हैं? देखिए, विकास कार्यों की पोल खोलना नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो नहीं बोलूंगा। सरकार तो आपकी थी ना, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मैं विधानसभा में जाता हूं और सरकार का कोई निर्णय ऐसा लगता है कि आपके ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने मंत्री के सामने नल जल योजना की बात उठाई, एक तरफ आपने भी जी न्यूज क्यू बड़ा इंटरव्यू दिया था, उससे बात की थी, उसी पार्टी की आप पोल खोल रहे हैं? देखिए, नल जल योजना के सबसे पहले पोल किसने खोली, वो मैं ही था। आप जिसने करा ये जिला पंचायत का, इसका तो बाद में राम मार्को जी ने तो बाद में वो करा, लेकिन कुल मिला के मैं आपको वही बोल रहा हूं कि मेरे आवास अभी तो ब्रह्मपुर में बुलंद है, लेकिन जब विधानसभा पहुंचूंगा तब भी मेरी आवाज ऐसी बुलंद रहेगी। अगर गलत कार्य कोई सरकार करेगी, हमारी खुद की सरकार भी करेगी, तो मैं इतना मादा रखता हूं कि वहां खड़े होकर बोलूंगा नहीं ये गलत है, नहीं काम हुआ, ऐसे ही श्रेय ले रहे हैं। तो ये चीजें होना चाहिए मेरे ख्याल से राजनेताओं को, निष्पक्ष नेता है ये क्वालिटी मुझे लगता है कि नेता की होनी चाहिए। केवल अपने वोट बैंक या फिर हमारे सरकार को बचाने की रणनीति और ये चीजों से ऊपर उठ के जनता के बारे में सोच लो, जनता के विकास के बारे में सोचो। केवल सरकार के बारे में सोचेंगे और कमीशन के बारे में सोचेंगे, 5% आएगा, 4% आएगा, देखिए इससे बात नहीं बनती। तो हमारी आवाज़ बुलंद यहाँ भी है और ऊपर भी रहेगी। आपने समस्या तो बता दी है, गिना भी दी है, निराकरण के लिए क्या पॉलिसी है आपकी? निराकरण के लिए तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट सही नहीं है, मैंने आपको बताया कि ऐसी कई योजनाएं हैं कि जो योजनाएं कागजों पे तो बन जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो योजनाएं नहीं रहती। जैसे बहुत पहले स्विमिंग पूल बना था, अरे स्विमिंग पूल बनाने से पहले वाटर सप्लाई वहां पर अटल बिहारी होगा कि नहीं, ये सोचो आप। या पाइप डालने से पहले, ड्रेनेज पाइप डालने से पहले आप ये सोचो कि लास्ट घर के लेवल से हम नीचे डाल रहे हैं कि नहीं, आप समझे कि नहीं। तो ये सब चीजों के लिए एजुकेशन चाहिए, और दूसरी बात इच्छा शक्ति ऐसी चाहिए जो कमीशन से बाहर जाके सोचे। हमारी सोच यही खत्म हो जाती है कि इतने करोड़ की योजना है, 4% मेरा, 5% उसका, 2% इसका, यही खत्म हो जाती है। तो ये चीजों को छोड़ो भैया और जनता के हित में कार्य करो। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, बुरहानपुर विधानसभा के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, क्या देखते हैं आप इनके इनके कार्य को, क्या मानते हैं? देखो, ज्ञानेश्वर दादा को अभी 1.5 साल ही हुए हैं, तो 1.5 साल बहुत कम अवधि होती है किसी के कार्य का आकलन करने के लिए। बाकी 1.5 साल में दादा का कार्य मुझे तो ठीक लगा है, और जितनी भी केंद्रीय योजना आ रही हो, और उसमें भी कोरोना था, तो कोरोना में, और जब शुरुआत में बने थे, मैंने तो पूरे 8 विधानसभा भी दादा के साथ गया था, हमारी सेपरेट, हमको संगठन की तरफ से भी हमने सेपरेट पूरा वो कार्य करा था। तो उसमें भी शुरुआती तौर पे अगर आप देखोगे ना, तो उनको सांसद निधि भी शायद नहीं मिली थी, तो बहुत कम समय है। और विधायक महोदय का कार्य तो इंशाल्लाह क्या बात है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, मिट्टी से भर दे रहे हैं वो तो रोडों को, अगर गड्ढे हैं तो गड्ढों में मिट्टी डाल के, मैं अब क्या बोलना,
उनके कार्य अगर इतने अच्छे रहते तो जनता का आशीर्वाद फिर उनको मिलेगा, हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अगर उनके कार्य अच्छे हैं तो ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए कि उनके उधर भी 8-10 लोग अब टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो उनका फाइनल होना चाहिए और भारी मतों से जीतना चाहिए। इनकी तो भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त हो जाना चाहिए अगर शेरा भैया के कार्य अच्छे हैं तो। लेकिन सभी देख रहे हैं कहीं अगली बार कांग्रेस ने रिपीट कर दिया कैंडिडेट तो भैया की जमानत नहीं जब्त हो जाए, मुझे डर है ऐसा। क्यों डर सता रहा है आपकी? कार्य के ऊपर है, जनता बोल रही है काम ही नहीं करा है कांग्रेस विधायक ने। देखो शुरू में तो मेरे ख्याल से वही चला गया मंत्री मंत्री मंत्री, तो जनता की तरफ अगर देखेंगे, समस्या की तरफ देखेंगे तो समय भी मिलेगा। लेकिन आपने शुरुआत के 2-3 साल मंत्री बनने के अंदर जो इच्छा थी उनकी उसमें निकाल दिए, बेंगलोर भी चले गए। जब ये आया था अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे तब ये बेंगलोर भी चले गए जांच कराने के लिए कि काय के लिए गए, कि रिसोर्ट में गए मालूम नहीं, बात नहीं बनी, आ गए वापस। तो ये देखो अब, और मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं तो क्या है फिर मुंह खोलूंगा तो और बात कहीं से कहीं तक जाएगी। अच्छा प्रियांक जी ये बताइए कि ये तो आपके गृह जिले बुरहानपुर की बात हो गई, एक लोकसभा क्षेत्र की बात हो गई, देश की राजनीति पर अगर हम बात करें तो किस दिशा में जो है राजनीति जा रही है, क्या देखते हैं आप? देखिए देश की राजनीति भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ जारी है। 2014 से निरंतर हमारे देश का सौभाग्य है कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हमको मिले, जो लगातार बिना थके बगैर रुके 18-18, 20-20 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर और अगले 10-15 साल देश को मिलते हैं, और 2024 तो ठीक है, 2029 में योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बनेगा और विश्वगुरु बनेगा। लगातार जो देश का माहौल ख़राब हो रहा है, पिछले दिनों भी रामनवमी को लेकर रमज़ान आते हैं जब भी जो है देश का माहौल बिगड़ता है, इसको क्या रूप में देखते हैं आप? देखिए जो माहौल ख़राब हो रहा है, अब ये क्या है, जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और मुझे लग रहा है आपने रामनवमी कर लिया तो रामनवमी रमज़ान भी बोला मैंने, रमज़ान भी आपने कहा तो रमज़ान में मुझे देखने को नहीं मिला कि कहीं ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन रमज़ान और रामनवमी के दिन ही हुआ। अब रामनवमी के जुलूस के समय दानिश भाई पूरे देश के अंदर हर जुलूस पे पत्थरबाजों ने पत्थर बरसा है, तो ये कुछ शरारती तत्व ऐसे रहते हैं जो हमारे त्यौहार मनाने नहीं देते। और धर्म विशेष का तो खैर मैंने नाम ही नहीं लिया, बाकी ये ऐसे शरारती तत्वों से कड़ाई से पालन, मतलब कड़ाई से अगर इनसे निपटा जाए तभी देश में अमन और चैन आएगा। कई जगह के वीडियो सामने आए सोशल मीडिया के ऊपर कि जो रैली की कुछ जो है भक्त जो नाच रहे थे और अचानक उनका तस्वीर बदल कर उन्होंने जो है गाने बजाने के बाद मारपीट अचानक से शुरू हो गई। देखो मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ, अब अचानक से मेरे अंदर कोई भूत प्रेत तो आएगा नहीं अचानक से। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कहीं पे खड़े होके मेरे पर पथराव होने लग जाए पूरे शोभा यात्रा पे, तो वो फिर इधर उधर भागेंगे ही, पर डांस करते हुए तुरंत कोई ऐसा तो मुझे समझ में आता नहीं, ये एक कॉमन सेंस है। और जहाँ भी ऐसा हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ वो हिंदू कर रहा हो, मुस्लिम कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, इस प्रकार के तत्व जो है वो समाज में रहने लायक नहीं है, उनको कड़ाई से बिल्कुल पालन करते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक जी हमसे बात करने के लिए। आपकी पूरी द DRK टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि अभी आप लोग निवास पे आए, और आप लोगों के सबके रोज़े रमज़ान भी चालू है, आपके कैमरा पर्सन हो गए, आपके मार्केटिंग के भाई साहब आए हैं, उसके बाद भी आप लोगों का ये
कार्य के प्रति कटिबद्धता है कि आप लोग यहाँ आए और इंटरव्यू लिया, सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। तो ये थे हिंदू नेता ठाकुर प्रियांक सिंह, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC News के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक के आप भी देखते रहिए BNC News।